नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। धर्म से रिलेटेड आज दो न्यूज निकल के आ रही। पहली न्यूज कौन सी है, देखिए आपके सामने लिखा है, डोंट सेंसेशनलाइज द हिजाब बैन वर्डिक्ट। भाई हुआ ये है कि अभी आपको पता है कि कर्नाटका की हाई कोर्ट के जजेस ने एक मेजॉरिटी फुल बेंच वर्डिक्ट में ये बोला कि ये जो हिजाब बैन है स्कूल कॉलेजेस का, ये सही है। अगर आपको स्कूल कॉलेज के अंदर जाना है तो स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को मानना पड़ेगा, आप हिजाब पहनने पे इंसिस्ट नहीं कर सकते। अब इसके चलते हुआ क्या कि ये जितनी भी मुस्लिम गर्ल्स हैं जो कि यहाँ पे इंसिस्ट कर रही हैं कि हमें हिजाब पहनने की परमिशन दिया जाए, ये अपनी बात लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जाना भी चाहिए भाई, अगर आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और इन द लोअर रंग्स ऑफ जुडिशरी, तो आप हायर रंग्स ऑफ जुडिशरी में जा सकते हो जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में इन गर्ल्स के बिहाफ पे इनके लॉयर पहुंचे और लॉयर ने जाके बोला कि सर देखिए ये मैटर बहुत अर्जेंट है, हमें अगले ही हफ्ते हियरिंग दे दीजिए। एनवी रमना साहब ने पूछा कि क्यों अर्जेंट है, तो इन्होंने बोला कि देखिए बच्चियों के एग्जाम लगे हुए हैं, 28 मार्च से एग्जाम है, अभी इस हिजाब बैन के चलते स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रही है, एग्जाम नहीं दे पाएंगी तो इनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि आप चीज़ों को सेंसेशनलाइज मत करिए, एग्जाम देने का हिजाब बैन से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको एग्जाम देना है आप अभी भी स्कूल में जाके एग्जाम दे सकते हो, कॉलेजेस में जाके एग्जाम दे सकते हो, तो चीज़ों को सेंसेशनलाइज मत करो। तो ये जो अर्जेंट बेसिस पे अगले ही हफ्ते हियरिंग मानी थी सुप्रीम कोर्ट से इस हिजाब के मैटर में, उसको अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डेट नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है भाई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, धर्म से रिलेटेड मुद्दा है, हम इसको हेयर करेंगे, बट अगले ही हफ्ते हेयर करें, इतना सेंसेशनल इस मुद्दे को मत बनाओ। ऑलरेडी ये मुद्दा बहुत सेंसेशनल हो चुका है, इंटरनेशनली इसके बारे में काफी बातचीत हो चुकी है। एक तो धर्म से रिलेटेड ये न्यूज निकल गई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला सेंसेशनलाइज मत करो, और ऑलरेडी सेंसेशनलाइज ने कर्नाटका हाई कोर्ट ने जब ये बैन को अपहेल्ड किया तो उसके बाद उनको डेथ थ्रेट्स आ गए, वाई कवर की सिक्योरिटी देनी पड़ी, पर्सन को अरेस्ट किया गया है यहाँ पे, ओवरऑल काफी इसके ऊपर बवाल हुआ है, आपको पता ही है। एक धर्म से रिलेटेड जो न्यूज निकल के आ रही वो निकल के आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जो सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, अब ये इस बार एमएलए तो नहीं बन पाए बट सीएम बन गए, इन्होंने पोल में प्रॉमिस किया था कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे उत्तराखंड के अंदर। और इन्होंने बोला है कि मतलब अब जब चूंकि इनकी सरकार बन चुकी है, ये सीएम बन चुके हैं, तो अब ये बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, और इसके लिए इनकी स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। समझने की कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा कैसे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि हर धर्म के लोगों के ऊपर सेम सेट ऑफ लॉज लागू होंगे। ठीक है भाई, ये तो सर आपने बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बता दी, ये तो सबको ही पता है, लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट होगा ये हमें पता नहीं है। एक बेसिक इन्फो इसके बारे में हम यहाँ पे जरूर समझेंगे। गोवा के अंदर गोवा का एक सिविल कोड है, पोर्टुगीज ने जो लीगल सिस्टम गोवा के अंदर सेटअप किया था उसको इंडियनाइज करके ये गोवा का सिविल कोड बना दिया गया। अब इस गोवा की सिविल कोड की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग लॉज है। जैसे हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक लॉ है हिंदू सक्सेशन एक्ट, और भी बहुत से लॉज हैं, एक है हिंदू मैरिज एक्ट, एक है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और इन बहुत सारे लॉज में काफी बार अमेंडमेंट्स भी हो चुका है, काफी बार इन लॉज को सुप्रीम कोर्ट में खींचा भी गया है। अभी रिसेंटली ये बोला गया था कि गर्ल सक्सेसर को बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाएगी। हिंदू धर्म के अंदर कभी कभी क्या होता था कि बाप मर गया तो बेटे के बेटों को प्रॉपर्टी मिल जाती थी, लेकिन जो मेन पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी थी उसकी बेटी को नहीं मिलती थी क्योंकि बेटी की दूसरे घर में शादी हो गई। तो बेसिकली हिंदू सक्सेशन लॉस को बहुत इक्विटेबल बनाया गया और ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन बना है, जो धर्म के ठेकेदार हैं उनके हाथ में छोड़ देते तो ये कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं बन पाता। वहीं पे अगर आप मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ की बात करेंगे तो मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ गवर्न होता है थ्रू मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो इसमें एक मुस्लिम की मैरिज कैसे होगी, वो अपने फादर की मदर की प्रॉपर्टी को कैसे इनहेरिट करेगा, कैसे सक्सीड करेगा, चैरिटी कैसी की जाएगी मुस्लिम्स के अंदर, ये सब ओवरऑल इस मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में लिखा हुआ है। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये जो पर्टिकुलर लॉ है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये गोवा में लागू नहीं होता है क्योंकि गोवा में चलता है गोवा का सिविल कोड। प्लस वो लोग जिन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर शादी की है, उन मुस्लिम्स ने जिन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर शादी की है उनके ऊपर भी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू नहीं होता। देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 स्पेसिफिकली उन कपल्स अपनी शादी को, वो कपल्स अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट SMA एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पसंद करते हैं जो इंटर मैरिज कपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हिंदू लड़का है मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़का है हिंदू लड़की है, इंटर रिलीजियस शादी हो रही है
तो वहां पे शादी बड़े आराम से एसएमए एक्ट में हो जाती है। चूंकि अलग अलग राज्य की सरकारों के हिंदू मैरिज एक्ट देखोगे या फिर मुस्लिम मैरिज से रिलेटेड अगर एक्ट देखोगे तो फिर इन एक्ट्स के अंदर भाई अलग अलग धर्म के लोगों के लिए शादी करना मुश्किल हो जाएगा, तो एसएमए एक्ट के अंदर शादी कर लेते हैं। और अगर आपने एसएमए एक्ट के अंदर शादी की है तो तब भी आप मुस्लिम हो, आपके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लागू नहीं होगा। एक्चुअली में जो मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, इसके अंदर बात यह है कि जो मेल है उनको थोड़ी सी आप कह लो इंपॉर्टेंस ज्यादा मिल जाती है फीमेल में, खासकर जब प्रॉपर्टी के सक्सेशन की बात होती है, बंटवारे की बात होती है, तो लड़के को लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी चीज को हटाता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, आपके ऊपर सेम सेट ऑफ लॉज लागू होंगे। और इसीलिए गोवा का सिविल कोड यहाँ पे कोट किया जा रहा है कि गोवा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, आपको एक सेट ऑफ लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। आप पर्सनल लॉज के बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा आप कह लीजिए बेनिफिट्स नहीं उठा सकते। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ लागू होगा उत्तराखंड के अंदर, ये किस प्रकार से लागू हुआ अब इसके बारे में जानकारी है नहीं। कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बना दी गई है और कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के एक्सपर्ट्स हैं सब होने वाले हैं, उनके साथ बातचीत करके ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाने की ताकत किसके पास है, क्या केंद्र की सरकार के पास ताकत है या राज्य की सरकार के पास ताकत है? तो इसके लिए हम लोग पहुंचते हैं 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें से अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट में पहुंचोगे तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एक एंट्री है, कौन से एंट्री की मैं बात कर रहा हूं, तो ये है आपकी एंट्री नंबर 5, जहां पे लिखा हुआ है मैरिज एंड डिवोर्स, एडॉप्शन, विल्स, इंटेस्टेसी, सक्सेशन, जॉइंट फैमिली एंड पार्टीशन। तो ये जो मैटर्स हैं मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, ये आते हैं अंडर आइटम 5 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर राज्य की सरकार भी नियम कानून बना सकती है, केंद्र की सरकार भी नियम कानून बना सकती है। और यहाँ पे गोवा ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुका है, उत्तराखंड यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली आगे आने वाले समय में और भी स्टेट्स इनिशिएटिव लेंगे। इसका अपोजिशन भी बहुत होगा, बहुत हद तक ये देखना होगा कि फाइनली जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब फाइनल लॉ निकल के आएगा उत्तराखंड के अंदर, एक प्रॉपर एक्ट निकल के आएगा उत्तराखंड के अंदर, तो उस एक्ट के अंदर क्या क्या नियम कानून रखे गए और वो नियम कानून पर्सनल लॉ से किस हद तक भिड़ रहे हैं, किस हद तक पर्सनल लॉ की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। हालांकि पर्सनल लॉज में जो आप कह लीजिए कि डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस है उनके खिलाफ ऑलरेडी मुहिम छिड़ चुकी है। आज से कुछ साल पहले चली जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है। ये न्यूज है 8 जनवरी 2020 की। तो ये जो प्रैक्टिस चलती थी मुस्लिम्स के अंदर कि आप 3 बार तलाक बोल दीजिए या उसको लिख दीजिए और आपका तलाक मान लिया जाएगा, ये अब बंद कर दी गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी गई है। बेसिकली ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक बोलने से आपका तलाक हो जाएगा, ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है, लेकिन इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। अब ये दो धर्म से रिलेटेड चीजें आपको अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन है एक दूसरे के साथ रिलेटेड। कुछ लोग बोलेंगे सर कि ये जो हिजाब रो है ये तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है हिजाब पहनना, और यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन की बात करता है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें मिक्स कैसे हो सकती हैं? देखिए मिक्स नहीं हो सकती, लेकिन ये दो एस्पेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब आप हिजाब पहन के या फिर किसी भी प्रकार का आप कह लो रिलीजियस वो बन के, टीका लगा के, माला पहन के या फिर सैफ्रॉन की शॉल पहन के कहीं जाते हो, तो आप अलग से नजर आते हो, आपका धर्म अलग से नजर आता है। ये अलग से नजर आने वाली जो प्रैक्टिस है ना, इस प्रैक्टिस में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आप कह सकते हो सिंक्रोनाइजेशन ला सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड धीरे धीरे करके हमारी सोसाइटी को बहुत हद तक सिंक्रोनाइज कर देगा, बहुत हद तक इक्वल लेवल पे हो जाएगा। जब सेम सेट ऑफ लॉज हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब पे फॉलो होंगे तो सेम सेट ऑफ कल्चरल कंडीशंस इन लोगों के सामने इवॉल्व होंगी और ओवरऑल ओवर द कोर्स ऑफ टाइम सब लोग सेम लेवल पे आ जाएंगे। आज की डेट में रिलीजन के आधार पे बहुत से डिस्क्रिमिनेशंस हो जाते हैं, इन डिस्क्रिमिनेशंस को हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। भले वो मैरिज, एडॉप्शन, डिवोर्स जैसी चीजों तक ही लिमिटेड रहेगा, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं सोशल लेवल पे बहुत से डिसेंशंस लाती हैं, बहुत से फर्क लाती हैं, और उन्हीं फर्कों को यहाँ पे हटाने की जरूरत है। एक बार ये फर्क हटने लग जाएंगे, एक इंसान को शायद इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, सब अपने अपने काम से मतलब रखेंगे, और तब शायद हिजाब रो जैसी प्रॉब्लम्स भी उठ के सामने नहीं आएंगी।
रिलीजियस प्रैक्टिसेस कोई नहीं बंद कर रहा है, रिलीजियस कपड़े पहनना भी कोई नहीं बंद कर रहा है। भाई आप ओपन में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे मुद्दा यह है कि स्कूल के अंदर जब आप पढ़ने आते हो तब क्या हिजाब पहनना जरूरी है, तब क्या सैफ्रॉन शॉल पहनना जरूरी है, ये यहां पे सवाल उठता है। और इस सवाल को लेके इतना बवाल हुआ है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो बैन को अपहेल्ड किया है, और जो सुप्रीम कोर्ट, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट देखना यहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है सुप्रीम कोर्ट के इस व्यू पॉइंट, वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बट इन दो न्यूज को हमने यहाँ पे एनालाइज किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप भी अपने व्यू पॉइंट एंड टॉपिक्स को लेकर ये सभ्य भाषा में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।